हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल टेक लिंक। और टेक लिंक में आप सभी का स्वागत है। गाइस, आज के इस वीडियो में हम अनबॉक्स करने वाले हैं डेल की तरफ से गेमिंग लैपटॉप, जो कि होने वाला है G15 5511। तो फिर फटाफट से अनबॉक्स करके आपको रिव्यू करता हूँ। तो गाइस, हमें बॉक्स के अंदर ये चार चीज देखने को मिलता है, जो कि आपको सबसे पहले दिखाता हूँ। डेल की तरफ से लैपटॉप है और आपको एक 180 वाट का यहाँ पे चार्जर देखने को मिल जाता है, जो कि काफी पावरफुल चार्जर होता है, काफी फास्ट चार्ज करेगा इससे। और आपको एक सिंगल पावर कॉर्ड देखने को मिल जाता है और कुछ पुस्तकें देखने को मिल जाता है, जो कि हमारे किसी काम के नहीं होते हैं। तो फिर फटाफट से आ जाते हैं लैपटॉप पर। तो यार, सबसे पहले बात करते हैं इसके टॉप प्लेट का। तो यार, टॉप प्लेट आप देख सकते हो, काफी पूरे फुल प्लास्टिक बॉडी में पूरे लैपटॉप ही है, बट टॉप प्लेट भी आपको प्लास्टिक बॉडी में देखने को मिल जाता है और ऊपर आपको एक डेल का सिंबल देखने को मिल जाता है। और आप इसके बैक साइड में देख सकते हो, आपको ये बड़े बड़े दो वेंट्स भी देखने को मिल जाता है, ग्रिप वगैरह भी है। तो फिर पूरा फुल लैपटॉप के बारे में आपको बताते हैं। तो गाइस, सबसे पहले इसके फ्लैक्स की बात करते हैं। तो आप फ्लैक्स देख सकते हो, काफ़ी ठीक ठाक है, बहुत ज़्यादा भी फ्लैक्स नहीं है। और फ्लैक्स होना लैपटॉप में ज़रूरी भी होता है, अगर फ्लैक्स नहीं रहेगा ना तो आपका स्क्रीन डैमेज होने का बहुत ज़्यादा चांसेस होता है। और बात करें इसके कीबोर्ड फ्लैक्स में, तो यार कीबोर्ड फ्लैक्स बिल्कुल भी नहीं है। ये सही चीज़ है कि इसमें फ्लैक्स बिल्कुल भी नहीं दिया है, काफ़ी अच्छा लगा ये देख के। अब यार बात कर लेते हैं इसके पोर्ट्स के बारे में। तो यार, आप लेफ्ट साइड में देख सकते हो, आपको एक RJ45 का कनेक्टर देखने को मिल जाता है और आपको एक 3.5 mm का ऑडियो जैक देखने को मिल जाता है। और आपको यहाँ पे एक बैटरी का इंडिकेटर देखने को मिल जाता है कि आपका लैपटॉप चार्ज है या डिस्चार्ज है, ये आपको इंडिकेट करता रहेगा। और अब राइट साइड के पोर्ट की बात करें, तो यार आपको दो USB पोर्ट देखने को मिल जाता है और इधर भी एक वेंट देखने को मिल जाता है। और सब कुछ तो यहाँ पे छुपा के रखा हुआ है। तो आप बैक साइड में भी देख सकते हो, आपको यहाँ पे एक चार्जिंग पोर्ट देखने को मिल जाता है, फिर आपको एक HDMI का पोर्ट देखने को मिल जाता है और आपको यहाँ पे पीछे भी एक USB पोर्ट देखने को मिल जाता है। और सबसे लास्ट में आपको एक C टाइप का कनेक्टर भी देखने को मिल जाता है। और राइट लेफ्ट में आप भी देखो, यहाँ पे एक और भी आपको वेंट देखने को मिल जाता है, जो कि काफी लैपटॉप पूरा खुल्लम खुल्ला है। तो गाइस, अब लैपटॉप को यार ओपन कर लेते हैं। तो यार सबसे पहले बात कर लेते हैं डिस्प्ले का। तो आप डिस्प्ले देख सकते हो, इसमें 15.6 इंच का देखने को मिल जाता है, जो कि फुल HD स्क्रीन है। और डिस्प्ले में आपको 120Hz का डिस्प्ले देखने को मिलता है, प्लस आपको 250 nits की ब्राइटनेस भी इसमें, जो कि ठीक ठाक भी ब्राइटनेस है, बहुत ज्यादा ब्राइटनेस इसमें नहीं दिया है। बाकी इंडोर में तो चलाने में इतने ब्राइटनेस में इशू नहीं होगा, बट अगर आप आउटडोर में यूज करोगे तो थोड़ा सा ब्राइटनेस आपको कम लगेगा, हो सकता है आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम का सामना करना पड़े। और इसकी NTSC की बात करें, तो यार 45% का इसमें NTSC भी देखने को मिल जाता है। तो यार अब बात करते हैं इसके फीचर्स की। तो यार इसमें i5 का 11th जनरेशन देखने को मिल जाता है, जो कि 6 कोर 12 थ्रेड्स वाला है। तो गाइस बात करें इसके रैम की, तो यार इसमें आपको 16GB रैम देखने को मिल जाता है, जो कि 3200 MHz का है। और SSD की बात करें, तो यार इसमें आपको 512GB SSD भी देखने को मिल जाता है। और गाइस बात करें इसके ग्राफिक्स की, तो यार RTX 3050 देखने को मिल जाता है, जो कि 4GB ग्राफिक्स कार्ड है इसमें, जो कि आपको गेमिंग वेमिंग करने में यार कभी इशू नहीं आने वाला है। अब बात करते हैं इसके वेबकैम और माइक की। तो यार आप देख सकते हो, अपर में सबसे आपको वेबकैम देखने को मिल जाता है और बगल में इसका एक माइक भी है। तो यार अब जो नेक्स्ट क्लिप मैं दिखाने वाला हूं, इसके वेबकैम और माइक की टेस्टिंग भी आप देख सकते हो कि कैसी आई है। तो गाइस, ये जो आप वीडियो देख रहे हो, ये इसी की कैमरे की है और इसकी आवाज जो सुन रहे हो, इसी की माइक की है। तो आप देख सकते हो इसकी माइक और कैमरे की क्वालिटी कैसी है। तो बात कर लेते हैं इसकी स्पीकर की। तो यार आप इसको राइट और लेफ्ट साइड में देख सकते हो, आपको दो स्पीकर भी देखने को मिल जाता है। और मैं आपको नेक्स्ट क्लिप में दिखा देता हूँ इसकी स्पीकर की क्वालिटी कैसी है। पर मुझे तो इसका स्पीकर का क्वालिटी काफी अच्छा लगा, काफी लाउड है, बेस भी इसका अच्छा है और इसका ट्रैवल भी अच्छा लग रहा है, काफी बढ़िया स्पीकर है एक तरीके से। तो यार अब बात कर लेते हैं इसकी चार्जिंग और बैटरी बैकअप का। तो यार मुझे बैटरी बैकअप इसका बहुत अच्छा नहीं लगा और मैं इसको चार्ज किया 2 से 3 घंटे में, तो यार फुल चार्ज तो हो गया, बट यार मुझे लगता है ये 2 से 2.5 घंटे ही बैकअप दिया है। तो यार गेमिंग लैपटॉप के हिसाब से मुझे बैटरी बैकअप ठीक ठाक लगा, बहुत भी अच्छा नहीं लगा बट ठीक लगा। तो यार अब बात कर लेते हैं इसके परफॉर्मेंस की। तो यार मैंने इसमें Cinebench R23 का स्कोर की बात करें, तो आप स्क्रीन पे देख सकते हो ये रहा। और इसकी रीड राइट की स्पीड की बात करें, तो आपकी स्क्रीन पे ये रहा। बाकी आप पुश करके आप इसको देख लो, बाकी आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि इसका परफॉर्मेंस कैसा है। तो यार अब बात कर लेते हैं इसके कीबोर्ड और माउस की। तो यार आप कीबोर्ड देख सकते हो, काफी 15.6 में आपको न्यूमेरिक की में कीबोर्ड देखने को मिल जाता है। और इसका यार RGB लाइट इसमें नहीं है, बट इसका ब्राइटनेस काफी ठीक ठाक है कीबोर्ड का। और आप देख सकते हो इसमें एक ही सिंगल लाइट है, वो भी डार्क ऑरेंज कलर का। फिर भी यार RGB कलर इसमें होता है तो काफी मजा आता है इसको गेमिंग लैपटॉप के हिसाब से यूज करने में, बट ठीक है, रेट के हिसाब से मुझे काफी बेटर लगा। बाकी टाइपिंग वेपिंग डे टू डे हम लोगों ने किया है, तो यार कोई इशू मुझे नहीं लगा, काफी अच्छा लगा यूज करने में। कीबोर्ड भी काफी सॉफ्ट है, काफी टैक्टिली टाइप का है, यूज करने में काफी अच्छा लग रहा है।
अब बात कर लेते हैं ट्रैक पैड का। तो यार ट्रैक पैड भी देख सकते हो, काफी नॉर्मल सा ट्रैक पैड है, कुछ बहुत ज्यादा इसमें बहुत बढ़िया कुछ फंक्शनल नहीं दिया है, बट ठीक ठाक है। इसका ट्रैक पैड भी काफी अच्छा है। तो गाइस यार सबसे इंपॉर्टेंट टेस्ट अभी बाकी है, जो कि होती है गेमिंग की। तो यार गेमिंग की टेस्टिंग मैं करके आपको दिखाता हूँ। तो यार सबसे पहले मैंने इसमें गेमिंग करके स्पाइडरमैन देखा, तो इसका FPS आता है यार 50-60, जो कि काफी अच्छा है। फिर मैंने इसका रे ट्रेसिंग ऑन किया, उसके बाद मुझे यहाँ पे 40 का FPS देखने को मिला। अब जो मैंने सेकंड गेम खेला है ना साइबर पंक, इसमें मुझे 40-50 FPS देखने को मिला। और यार सबसे लास्ट गेम जो है GTA 5, ये सबको ही पसंद आता है बहुत ज्यादा, इसके FPS की बात करें तो यार इसमें 125 का FPS देखने को मिला, जो कि यार GTA 5 के लिए काफी तगड़ा है। तो यार गेमिंग के हिसाब से मुझे काफी तगड़ा लैपटॉप दिखा डेल की तरफ से। यार अभी तक डेल सबको ही बोलता था, तो यार इसलिए मैंने डेल का लैपटॉप रिव्यू करने के लिए सोचा था। तो यार गेमिंग के हिसाब से आज मुझे बहुत ही तगड़ा लैपटॉप लगा और बहुत ही अच्छा लगा। तो गाइस अब बात कर लेते हैं कंक्लूजन का। तो यार कंक्लूजन मेरे हिसाब से यार इसका जो प्राइस है ना, इस प्राइस में आपको इससे बेस्ट लैपटॉप हमें नहीं लगता है गेमिंग लैपटॉप होने वाला है कोई। तो यार इसका जो प्राइस है 72,000, जो कि अमेजोन पे अवेलेबल है, और मुझे नहीं लगता इस प्राइस में आपको इतना अच्छा गेमिंग लैपटॉप मिल सकता है, वो भी डेल की तरफ से, जो कि बिल्ड काफी अच्छा देता है और इसकी फीचर्स वगैरह हर चीज आपको मैंने बता ही दिया है। बाकी आपको ये लैपटॉप बाई करने का मन करे तो यार इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, आप वहां से जाकर के इसको बाई कर लेना, क्योंकि हमारे भी चैनल को थोड़ा सा सपोर्ट मिलेगा। बाकी यार वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। तो ऐसी और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब टू टेक लिंक।